गुरुदेव, युद्ध से पूर्व एक शिष्य के लिए उसके गुरु का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है अर्जुन। कभी अनुमान नहीं लगाया था गुरुदेव, जिससे युद्ध कला और धनुर्विद्या सीखी, एक दिन उसी के विरुद्ध इसका उपयोग करना पड़ेगा। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन। ये युद्धशाला नहीं, ये समस्त युद्ध भूमि है और यहां का हर एक विपक्षी केवल और केवल तुम्हारा शत्रु है अर्जुन। सावधान अर्जुन। गुरु द्रोण अर्जुन के मार्ग में आ रहे हैं। वज्र के आगे बढ़ने के लिए अर्जुन के मार्ग की बाधा हटानी होगी। जाओ, जाके अर्जुन की सहायता करो। सारथी, रथ आगे लो। युवराज दुर्योधन, यदि युद्ध के सारे निर्णय तुम्हें ही लेने हैं तो मुझे सेनापति बनाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं पिता, क्योंकि आप पौरवों के प्रति अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ मौन रहने के लिए नहीं, कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए आए हैं। पांडव सेना हम पर हावी हो रही है और पांडव सेना पर आक्रमण करने के लिए आप हमें रणनीति क्यों नहीं बता रहे हैं? बताइए। स्मरण है ना पितामह आपको, यदि दुर्योधन के रथ की पताका अर्जुन के हाथ में लग गई तो हम ये युद्ध हार जाएंगे। महामहिम हार जाएंगे। कुछ कीजिए। युवराज को मैंने ऐसे व्यर्थ वचन लेने के लिए कदापि नहीं कहा था। अब युवराज दुर्योधन को इसका परिणाम स्वयं भुगतना होगा। और रही बात मेरे आदेश की, तो अभी आक्रमण में समय शेष है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें पितामह से अधिक मित्रगण की आवश्यकता है। अब देखिए क्या स्थिति हो गई है हमारी। देखिए कैसे मौन खड़े हैं। ऐसे चलता रहा, देखिए तो हम शीघ्र ही हार जाएंगे। हाँ।
काशी के पास जाकर पुनः युद्ध खलासी को भीम स्मरण हो रहा है कि प्रतिशोध की आग में तुम युद्ध कला बोल रहे हो। यदि तुम मेरे हाथों जीवित बच का शोध थामा तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा। द्रोण का यहां से मैं संभालता हूं। अर्जुन तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का समय आ गया है पार्थ। द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करके हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। हमें अपने वज्र को उचित स्थान पर पहुंचाना अति आवश्यक है पार्थ। कैसी आज्ञा माथा। चलिए आगे बढ़िए। मेरे होने वाले सम्राट, शत्रु का वज्र आगे बढ़ा है। यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ करो मेरे होने वाले सम्राट। काश भी मेरा मित्र मेरे साथ होता। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र, आवश्यकता है तुम्हारी। ये कैसी अनुभूति है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे क्षमा कर दो मित्र, जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सैनिक, जाओ जाकर पता लगाओ कि युद्ध में क्या चल रहा है। जो आ गया महाराज। शत्रु बहुत निकट आ रहा है, बहुत निकट आ रहा है शत्रु। माधव, वो रहा दुर्योधन। उसे बंदी बनाने का समय आ गया है। शत्रु निकट आ गए हैं दुर्योधन, आ गए शत्रु निकट। अब आक्रमण का समय आ गया है। आओ मेरे प्यारे बांजो, आ जाओ।